सबसे बड़ा स्टार हम शुरू से, जब से मेरा होश हुआ है, जब से हम गाना सुने हैं, जब से हम खेसारी लाल यादव जी का फैन है, लेकिन हमारा के कर तो बतिया, अरे के कर तो हमारा इंतजार हर दिया रे मोरा, जान के नहीं लगी है जान मोरा बड़ी। कुछ भी डांस करते हैं थोड़ा बहुत, ऊपर वाला के डांस से जो भी स्टेप आता है, खेसारी लाल का से हम सीखे हैं, उन्हीं का स्टेप हम स्टेज पे करते हैं कुछ कुछ। उस दिन उस रात में हम 11,500 रुपया हमारे पास आया था। हाँ, सारे लोग नीचे से। नमस्कार, तो हम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं केडीएल न्यूज। तो अभी हम आ चुके हैं ग्राम रोह, नवादा जिला का एक पॉपुलर है रील मेकर कहे जाने वाले पप्पू यादव, और उनसे हम अभी बात करते हैं कि कैसे ये कि अपना जर्नी शुरू किए थे। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार, हमारे केडीएल न्यूज पे जितने भी दर्शक श्रोता लोग हैं सभी को नमस्कार, और आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद कि जो कि आप हमारे गांव तरफ आके हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं। कि जब आप वहां गए थे जहां से आप वायरल हुए थे, वहां आप किस मकसद से गए थे कि आप वहां जाके फिर स्टेज पे चढ़ गए और फिर आप एक से एक एक्टिंग किया, ऐसा ऐसा कि कलाकारी डांस किए कि आप वायरल हो गए? देखिए, वो दिन तो हम कभी भूलेंगे नहीं जी। वो दिन हमारे लिए मानिए तो बहुत शुभ का दिन था जी। हमारी सिस्टर की तिलक थी उस दिन, हम लोग वहाँ तिलक पहुँचाने के गए थे जी। गोविंदपुर प्रखंड में पड़ता है, बक्सोती बाजार से थोड़ा सा आगे बढ़ के लाखपत बीघा गांव है जी। वही गांव में हम तिलक पहुंचाने गए थे वाहन का, तो वही स्टेज शो होगा। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा फैमिली लोग सारे लोग थे जी। तो वहां पे डांसर का व्यवस्था किया गया था, बढ़िया सा स्टेज भी बनाया हुआ था, स्टेज भी बढ़िया था वहाँ। तो वहाँ हमारे फैमिली लोग, जितना भी हम लोग भाई थे, सब लोग बोला कि चलो पप्पू भाई हिला हिला दो चढ़ के, एंजॉय करते हैं चलिए थोड़ा। तो उस गांव लोग भी सपोर्ट किया कि नहीं पप्पू यादव भाई, भाई थोड़ा बहुत सब लोग जानते थे वहाँ भी हमको, तो सब ने हमको मौका दिया वहाँ। जब एक डांस पे, एक गाना पे डांस किए तो सारे लोग खाना छोड़ छोड़ के सब प्रोग्राम पे इंटरेस्ट लेने के लिए आ गए, मतलब जो भागदौड़ लेने हल्ला हुल्ली प्रोग्राम का बढ़िया से मजा नहीं ले रहे थे। जब मेरा एक गाना बढ़िया से डांस सब लोग देखे, इतना बढ़िया से शांति बना के सब मेरा डांस को एंजॉय करने लगे कि बता ही नहीं सकते। हम बोलते थे कि अब हमको जाने दीजिए, नहीं अभी तुमको और करना है, इस टाइप का वहाँ माहौल हो गया था। और इतना थोड़ा सा हमको भी डांस करते करते थोड़ा सा शरीर में मतलब हीट आ गया, हो जाता है थोड़ा सा। नहीं नहीं, हरासमेंट नहीं हुआ, बॉडी भी हीट हो जाता, फ्री माइंड हो जाता, फ्री माइंड हो गए थे। तो इसी बीच में जब हम अपना कुर्ता उतारे गंजी पे आए डांस करने के लिए, तो हमारे भाई थे राजा यादव भैया, हमसे बड़े भाई हैं, वो केलस कॉलेज के छात्र छात्र सचिव भी हैं जी जी, वही लगा दिए थे सैड सॉन्ग गाना। पहला गाना लगाए थे पगला पगला कहो हनी पगला बने नहीं गे, छोरी ससुराल चली गए नहीं गे जान, उसके बाद यही वाला लगाए थे हरा दिया गे जान। तो यही गाना पे इतना ना मतलब मजा आ गया ना वहाँ कि बता नहीं सकते हैं। और जो डांसर थे वो भी थोड़ा सा सहयोग की बेचारी, वो भी अच्छा हमको उसका उनका भी योगदान है हमारे उस वीडियो में। तो उसी वक्त वो लाइन निकला था कि के करतो फोन हमारा के करतो बतिया, अरे के करतो हमारा इंतजार हर दिया रे मोरा, जान के नहीं लगी है जान मोरा बड़ी सुकवार। ये गाना अभी भी कहीं बजता है तो मेरा लगता है कि मेरा दिल में गाना बज रहा है। और ये सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, इनका नाम क्या मालूम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीष लाल यादव नाम है इनका, बहुत बढ़िया सिंगर है, इनका आवाज का हम दीवाना हो चुके हैं। लाइफ में ये गाना हम कभी भूलने वाला नहीं है, और नहीं उस जगह को भूलने वाले हैं जो स्टेज पे हम डांस किए थे वहाँ। उस स्टेज पे जो डांस किए, उस ग्रामीण का क्या आपका योगदान है कि आप क्या सही? अरे ग्रामीण को तो सब शुरू में ही बता दिए, उन लोगों को तो तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। उन लोग तो हमको मौका दिए कि नहीं पप्पू यादव भी वहाँ चढ़ के डांस करेंगे जी, बूढ़ा बच्चा लेडीज हर कोई एकदम फैमिली की तरह सपोर्ट किया, और अच्छा एंजॉय सब प्रोग्राम कर लिए। हमको बहुत अच्छा लगा वो प्रोग्राम करने में, रात भर डांस किए थे हम। सर आपसे एक बात बोलना पूछना चाहते, अभी एक भोजपुरी में विवादित चल रहा है अक्षरा सिंह के बारे में, इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? आप भी एक स्टार बनने वाले, आप भी एक, तो इस पे क्या रहने दें? सुरेश मिश्रा सही है कि अक्षरा सिंह सही है? देखिए अभी तो इतना बड़ा हम लोग नहीं है, लेकिन मेन बात रह गई कि मैक फेंकने की, तो अक्षरा जी को मैक नहीं फेंकना चाहिए,
और लोगों ने क्या पैसा फेंका, ढेला फेंका, वो तो नहीं बता सकते। नहीं, बोला पैसे फेंका, लेकिन कहा था हमको पैसा, हम पे माँ लक्ष्मी है, क्यों फेंका गया? तो इसके पहले भी तो उसपे कितने बार कितने सब स्टार पे फेंका जाता है। हम ही डांसर है, जिस दिन हम जिम मेरा प्रोग्राम हुआ था, उस दिन उस रात में हम 11,500 रुपया हमारा पास आया था। जी जी हाँ, सारे लोग नीचे से पैसा फेंक फेंक के दिया, कुछ हाथ में दिया, तो क्या फेंक के देंगे तो क्या दिक्कत है, तो उनको भी फेंक के दिए पैसा, तो मैक पटक के भाग गया, वो भी मैक टूट गया, तो ये तो गलत बात है। गलत बात है जी। सरस्वती का खास का अपमान है पूरा। जितने भी हमारे सिंगर है उनको मेन रूप से मैक ही है। जी जी जी, मैक नहीं रहेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और सर अभी जैसे अभी आने में कुछ दिन पहले खेसारी लाल जी पर भी पत्थर से मारा गया स्टेज पे, पवन सिंह को भी मारा गया, लेकिन तब पर भी इन्होंने पूरा प्रोग्राम किए। आगामी दिन में प्रमोद प्रेमी यादव पर भी हुआ था, लेकिन वो पूरा प्रोग्राम के बीच से गए नहीं, लेकिन इन पे पैसा से फेंका गया और बीच से मैक फेंके गए, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत बात है, मैक नहीं फेंकना चाहिए इनको। कुछ भी प्रोग्राम था तो वहाँ के तो लोग थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, उनको बोलना चाहिए, इनको मैक फेंक के जाना उचित नहीं था। और एक सबसे बड़ी बात हमारे चैनल के माध्यम से हम इनसे आज खुलवाने वाले हैं, राज भोजपुरी में दो सबसे बड़े अभी स्टार कहे जाने वाले, एक पवन सिंह है और खेसारी लाल यादव है, आप इन दोनों में किन्हें सबसे बड़ा स्टार मानते हैं? सबसे बड़ा स्टार हम शुरू से, जब से मेरा होश हुआ है, जब से हम गाना सुने, जब से हम खेसारी लाल यादव जी का फैन है। स्टेज पे कुछ भी डांस करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर वाला के डांस से जो भी स्टेप आता है खेसारी लाल का से हम सीखे हैं, उन्हीं का स्टेप हम स्टेज पे करते हैं कुछ कुछ, तो लोगों का अच्छा लगता है। और पवन सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका? बढ़िया है, उनका भी गला अच्छा है जी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा हम फैन खेसारी, पूरा एकदम घूम रहे, कभी गया शूटिंग तो कभी बिहार शरीफ, कभी पटना, कभी मुंगेर, बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद सर कि आप हमें मौका दिए, और मौका मिले फिर आपसे अगर समय मिलेंगे तो आप दीजिएगा। एकदम एकदम, कभी भी आप हमारे पास कोई भी, अभी को सिर्फ नहीं हम बोल रहे हैं, किन्हीं को भी, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं न्यूज को, हमको चाहने वाले हैं, कोई किन्हीं को भी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, हर किसी से हम बात करते हैं, कोई सा व्यक्ति नहीं जो मैसेज करते हैं हम उनसे।